दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। भारतीय संस्कृति व शिक्षा को कनाडा के साथ जोड़ने के प्रयास में इनोसेंट हार्ट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस IH ने पहल की है। ग्रुप कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ अंटारियो के साथ टाइप करेगा। इस संबंधी लोहारा स्थित इनोसेंट हार्ट्स कॉलेज में पत्रकारों को जानकारी देते हुए ग्रुप सचिव डॉ. अनूप पोहरी ने कहा कि पंजाब के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर देने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ अंटारियो से टाइप किया जा रहा है। इसके तहत यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मीरोस्लावा वोडेन ओवीज और एम्बेसडर रविंदर सिंह पालिया ने शामिल होकर इस टाइप को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और इसके तहत भारत के विद्यार्थी कनाडा के विद्यार्थियों के साथ अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकेंगे, ऐसी जानकारी दी। कैनेडियन सिस्टम है का हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, इसमें CBSE की पढ़ाई के नाल नाल 9वीं 10वीं 11वीं बच्चे कनाडा का कोर्स भी कर सकते हैं। उस कोर्स के नाल जो पास कर जाते हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओंटारियो सर्टिफिकेट देगी। वो सर्टिफिकेट वर्ल्ड वाइड जो होगा उन्होंने एक्नोलेज किया जाता है। वो अपलाई कितने भी जाके कोई आइलेट्स की लड़ नहीं पैनी, कुछ नहीं लड़ पैनी, वो कितने जाके भी अपना अगर यूनिवर्सिटी या जोड़ा भी कोई कोर्स करना चाहते कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओंटारियो तो असी एक प्रपोजल इतने थ्रू स्कूल सिस्टम जाना चाहते हैं कि जोड़े स्टूडेंट कैनेडा या इंटरनेशनल किसी भी जगह पर पढ़ना चाहते हैं वो अगर ये प्रोग्राम अगर इतने इंप्लीमेंट करने असी तो उन्होंने जो हाई स्कूल डिप्लोमा हैगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओंटारियो का होगा। वो दुनिया से कितने भी जाके किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज एडमिशन ले सकते हैं। उन्होंने कोई भी अपना इंग्लिश प्रोफिशंसी टेस्ट पास करने की लोड़ नहीं हैगी है, ठीक है। और वो अगर वो स्टूडेंट सेम स्टूडेंट हाई स्कूल उत्थे जाके करना चाहता है उन्होंने डबल पेमेंट करनी पैंती है कि 15-16 हज़ार ट्यूशन फीस हैगी है, 15-16 हज़ार साल की वो रहने का खर्चा है। फिर वो पढ़ाई इतने करके अपनी सिर्फ यूनिवर्सिटी दे फिर उत्थे जाके कर सकता है।